फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ टी टाइम नाश्ता। टी टाइम्स के लिए आपको चटपटा, थोड़ा सा स्पाइसी स्नैक्स की ज़रूरत होती है, तो आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ टी टाइम के लिए। जब भी आप चाय के साथ कुछ चटपटा खाना चाहें तो आप फटाफट से इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े से उबले हुए आलू, जिसे हमें अच्छे से छील कर तैयार कर लेना है। छीलने के बाद हम इसे स्मूदली क्रश कर लेंगे। तो क्रश करने के लिए हमें आलू को थोड़ा सा सुखाना होता है। तो अगर हम थोड़ी देर पहले उबाल कर रखे हुए हैं आलू को, तो हम इस आलू को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल गीला आलू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें आलू को अच्छे से क्रश कर देना है। और इस तरह से क्रश करने के बाद आलू बहुत ही अच्छा दिखता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा स्मूदली क्रश हो जाता है तो इसे लच्छेदार आलू तैयार होता है। और लच्छेदार आलू का जब भी आप कुछ रेसिपी बनाते हैं तो वो खाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो लच्छेदार सारे दिखाई देते हैं, खाने के टाइम अच्छे लगते हैं। तो आप कोशिश करें आलू को इस तरह से लच्छेदार आलू तैयार करें, और नहीं तो फिर आप आलू को स्मूदली हाथों से भी मैश कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मसाले में बहुत ज़्यादा हमें मसाला यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कटी हुई हरी धनिया और कटी हुई हरी मिर्च। और जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हैं इस नाश्ता को, उसके हिसाब से मिर्ची यूज़ कीजिए। और एक छोटा चम्मच काली मिर्च और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालें। और इसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा सा, आप इसमें चाहे तो आप इसमें चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, और नमक स्वादानुसार। और इसके बाद आपको आलू को अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो आलू है वो सारे मसाले को यूज़ कर ले, अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम इस नाश्ते को तैयार करेंगे। तो पहले हम आलू को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप इस नाश्ते को हड़बड़ी में भी बना सकते हैं, बहुत ही कम समय लगता है बनाने में। और मैंने ब्रेड को कुछ इस तरह से गोल गोल कट कर लिए हैं, और इस तरह सारे ब्रेड को हमने कट करके तैयार किए हैं। और इसी ब्रेड में हम इस मसाले को डालेंगे। और इस मसाले में मैंने बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं डाले हैं, पर फिर भी ये चटपटा लगेगा खाने में। और इस तरह से आप थोड़ा सा ज़्यादा आलू करके ब्रेड के ऊपर डालें तो मज़ा आएगा खाने में। और ये बारिश के सीज़न में इस तरह का चटपटा नाश्ता सभी को बहुत ही पसंद आता है, तो कभी भी आप जल्दीबाजी में भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम दूसरे ब्रेड के हिस्से को दबाकर तैयार करेंगे, और इसे अच्छे से हाथों से दबाकर इसे सेट कर देंगे। तो इसी तरह हमें सारे ब्रेड को इसी तरह से हमें तैयार करना है, और फिर नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो हम सभी ब्रेड को पहले हम तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसके बाद हम इसके लिए एक घोल तैयार करेंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट हमने यहाँ पर ये डाला है कि मैं यहाँ पर बेसन यूज़ नहीं करूँगी। तो इस तरह से नाश्ता ये तैयार है, सेट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसन की जगह पर मैदा यूज़ करेंगे। तो मैदा हमने यहाँ पर 4 चम्मच लिया है, 4 बड़े चम्मच। और यहाँ पर हम यहाँ थोड़ा पानी डालेंगे, और पानी डालते हुए हम इसमें घोल तैयार करेंगे। और घोल में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ताकि नमक का स्वाद भी आ जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपने मुझे अभी तक खबरी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है, तो लिंक से जाइए, देखिए, सुनिए। अगर आपको वहाँ का कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। घोल में लंग्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमें घोल तैयार करना है। गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा घोल हमें मीडियम करना है, बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है। बेसन डाल देने से फिर पकौड़े का स्वाद आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर बेसन की जगह पर मैदे को यूज़ किया है। और इसके बाद मैदे को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। इस तरह उठा कर आप देख लीजिए, अगर ये स्मूदली गिर रहा है तो बैटर तैयार है, और नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम नाश्ता बनाते हैं। इसके लिए हमें पहले तेल को गर्म करना है मीडियम फ्लेम पर, और इसके बाद जो ब्रेड हमने तैयार किए हैं उसको इस घोल में मिलाना है। घोल से अच्छे से कवर करना है,
और तेल इतना यूज़ करें कि ये जो नाश्ता है ये तेल में अच्छे से डल सके, अच्छे से डूब जाए, इतना तेल हमें होना चाहिए, रखना है कढ़ाई में। और इसके बाद जब तेल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो जाए तो आप इस नाश्ते को डालें। और इसके बाद जब एक तरफ से अच्छे से ये तेल में अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही आपको पलटना है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसी तरह से आप छोड़ दीजिए फ्राई होने के लिए, बीच में आप हाथ न लगाएं तो अच्छा रहेगा। और इसे धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई होने देंगे तो ये थोड़ा क्रिस्पी और अंदर से स्मूथ सा ये तैयार होगा नाश्ता ये, तो ये बहुत मज़ा आएगा चाय के साथ खाने में। और थोड़ा थोड़ा आप इसके ऊपर तेल भी डाल सकते हैं, जैसे एक चम्मच ले लें और ऊपर से इस तरह से आप इसके ऊपर डालें, अगर तेल में नहीं डूब पा रहा है तो, अगर तेल कम है तो, और नहीं तो तेल ज़्यादा रहेगा तो ये अपने आप ही डूब जाएगा तो अच्छे से फ्राई होगा। और इसके बाद जब थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो आप इसे दूसरे साइड से पलट कर फिर फ्राई होने दें। और ध्यान रखें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है। और इसके बाद आप इसे क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। कम समय में ही ये फ्राई हो जाता है लेकिन ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्टी, बिल्कुल स्मूथ, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। चाय के साथ जब आप इसे सर्व करते हैं बारिश के टाइम में तो ये और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। और बारिश में तो हर किसी को फ्राई चीज़ें खाने में मज़ा आता है, तो आप बारिश के टाइम कोई मेहमान आ जाए या किसी भी टाइम आपको खुद को ऐसा खाने का मन कर दे, थोड़ा चटपटा, थोड़ा चाय के साथ स्नैक्स के रूप में, तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे भी ये नाश्ता बहुत पसंद आता है और घर में सभी को पसंद आता है, तो आपके घर में भी सभी को बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि तेल में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बड़ा बड़ा नाश्ता हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है तो एक साथ अगर आप चार पांच डाल देते हैं और जगह नहीं है तो एक दूसरे में चिपक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैदा है। तो थोड़ा ध्यान रखें कि जितना कढ़ाई में जगह हो उतना ही डालें। और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपी डाल रखी है, अभी अभी मैंने और भी नई रेसिपी डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के एंड में भी एक दो लिंक मैं दे दूंगी, आई बटन में भी कुछ लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्नैक्स की रेसिपी आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। सारे स्नैक्स की रेसिपी मैं यही सोच कर लाती हूँ कि चाय के साथ टी टाइम में आप जो भी नाश्ता स्नैक्स चाहते हैं उस तरह का रेसिपी आपको मिले। तो मेरी कोशिश है कि बारिश के सीज़न में जो भी स्नैक्स आप चाहते हैं वो स्नैक्स आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाए। तो आप ज़रूर देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। और अगर आपको पसंद आता है, मेरी रेसिपी को आप ट्राई करते हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ताकि मैं अगली बार इससे भी और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ और आपको पसंद आए और आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये नाश्ता ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद, खाने के बाद आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसे ही।